हेलो एवरीवन, कैसे हो? ऑल गुड? आई एम ऑल्सो गुड। तो आज बनाएंगे डिलाइट चिकन। देख लीजिए अपना रेसिपी। यह है चिकन, ये नियरिंग 1 किलो चिकन है। तो इसको हम करेंगे मैरिनेट अभी। तो ये है अपना पहाड़ी नमक और ये है ब्लैक सॉल्ट। तो दोनों हम डालेंगे इसमें। और ये है गरम मसाला और काली मिर्च। ये है थोड़ा लाल मिर्च। ये थोड़ी धनिया पाउडर है और डालेंगे थोड़ा दही इसमें। ये देखो, डालेंगे अबाउट 4 चम्मच। अब डालेंगे इसमें एक अदरक लहसुन का पेस्ट, डालेंगे थोड़ा सा ये राई का तेल है पतंजलि का, तो इसमें डालेंगे 4 चम्मच। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है। अब हम साइड में रखेंगे मैरिनेशन के लिए। इसको 1 घंटा 1.5 घंटा जितना आपके पास टाइम हो उतना आप रख दीजिए। चलो तो फिर बनाते हैं अपना डिलाइट चिकन। तो ये मैंने डाल दिया मक्खन। अब डालेंगे थोड़ा सा तेल इसमें, कि सिर्फ मक्खन डालेंगे तो पूरा जल जाता है ना, इसके लिए इसमें डालेंगे तेल और इसको थोड़ा मिलाएंगे और डालेंगे ये गार्लिक अपना काट के रखा था वो, और डालेंगे ये प्याज, ये अपना गुलाबी प्याज डाल देंगे, और डालेंगे ये मिर्ची, हरी मिर्च। ये अपना जो है, अपना डिलाइट जो है वो इंडियन डिलाइट है, तो थोड़ा सा चटपटा होना चाहिए ना इसके लिए। देखो अपना ये प्याज जो है अभी गुलाबी हो गया है। ये देखो गुलाबी गुलाबी हो गया है, मस्त लगता है ना। ये प्याज तो बहुत मस्त है, बहुत फायदे करता है अपने शरीर में। तो ज़रूर खाइए, सैलेड में भी ज़रूर खाइए। तो अब हम डालेंगे अपना चिकन जो अपने मैरिनेट किया था ये। सी फ्रेंड्स, देखो अब इसका पानी छूट गया है। अब मैंने भून लिया इसको। अब उसको रखेंगे पकने के लिए 20 मिनट तक। तो आप देखेंगे इसको 20 मिनट तक, ठीक है? ये देखो अपना सॉस रेडी हो गया। अभी अभी हम इसमें चिकन डालते हैं पूरा। देखो आपने, मैंने चिकन डाला है इसमें, अपने सॉस में डाल दिया। अभी हम इसको एक बॉईल आने देंगे। तो अपना चिकन डिलाइट रेडी हो गया है। नमक सब चेक करो आप। डालो ये प्याज और देखो अपना 1 नंबर चिकन रेडी है।
बहुत मस्त बनता है। ये देखो अपना चिकन डिलाइट इज रेडी टू सर्व। मस्त है ना, एकदम रापचिक है, एक नंबर बना है। देखो कितना